नमस्कार, आज तक AI के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मोइन अली पर लगाए गए जुर्माने की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती एशेज टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के हरफन मौला मोइन अली पर जुर्माना लगाया गया। अली पर जुर्माना गेंदबाजी वाले हाथ पर स्प्रे इस्तेमाल करने पर लगाया गया। उन्हें मैच फीस की 25% राशि जुर्माने के तौर पर भरनी होगी। मोइन अली को ये सजा भी उस दिन मिली जिस दिन वो अपना 36वां जन्मदिन मना रहे थे, यानी 18 जून को। मोइन पर लाखों का जुर्माना भी लगा और उनके हिस्से एक डिमेरिट पॉइंट भी जुड़ गया। 2 साल तक संन्यास की वजह से क्रिकेट पिच से दूर रहे मोइन ने जैसे ही वापसी की उन्हें झटका लगा। दरअसल मोइन ने लंबे वक्त तक लाल गेंद से बॉलिंग नहीं की थी। ऐसे में जब उन्होंने लाल गेंद से बॉलिंग की तो उनकी उंगलियों में सूजन आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड बॉल की सीम उभरी हुई होती है। सीम वो हिस्सा होता है जहां गेंद सिली गई होती है। उंगलियों में सूजन की वजह से मोइन को उस पर स्प्रे करने की जरूरत पड़ी। उन्होंने ऐसा किया लेकिन ऐसा करने से पहले अंपायर से बात नहीं की। इसी वजह से मोइन को ICC की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। मोइन को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए लगभग 15 लाख रुपए मिलते हैं और 25% फाइन लगने पर उन्हें 3.75 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे। ICC ने जानकारी दी है कि मोइन को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इस साल मार्च में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भी 25% मैच फीस का जुर्माना लगा था और तब भी वजह कुछ ऐसी ही थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दर्द से राहत के लिए अपनी उंगली पर एक क्रीम लगाई थी। ऐसा करने से पहले उन्होंने भी अंपायर को जानकारी नहीं दी थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने मोइन अली पर लगाए गए जुर्माने को लेकर टिप्पणी की और कहा कि अली ने IPL 2023 में भी 26 ओवर ही गेंदबाजी की थी। इयोन मॉर्गन के मुताबिक जहां एक तरफ उन्होंने IPL 2023 के 2 महीनों में 26 ओवर गेंदबाजी की, वहीं दूसरी ओर एशेज में उन्होंने एक ही दिन में 29 ओवर गेंदबाजी की और इसी वजह से मोइन अली की उंगली चोटिल हो गई। इस सजा का क्या असर होगा, आइए जानते हैं। इस मामले ने अली के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया है। अली ने बीते 24 महीने में ऐसा पहली बार किया है जब किसी खिलाड़ी को 24 महीने की अवधि में 4 या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो ये पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट में बदल जाते हैं और खिलाड़ी मैच खेलने से बैन हो जाता है। 2 सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है कि खिलाड़ी को 1 टेस्ट या 2 ODI या 2 T20I के लिए बैन किया जाएगा। खिलाड़ी के शेड्यूल में जो भी मैच पहले आएगा उसे उसी के लिए सजा मिलेगी। डेमेरिट पॉइंट किसी खिलाड़ी या सपोर्टिंग स्टाफ के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड पर लगाए जाने से 24 महीने की अवधि के लिए बने रहते हैं जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।